वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी निजी ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा चीन और मलेशिया से पिछले एक साल में भारत शिफ्ट कर लिया है। इससे कंपनी को लागत घटाने और सरकार के मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने में मदद मिली है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के कारण कंपनी को 300 से अधिक कैटेगरी में अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स के दाम घटाने में भी मदद मिली। फ्लिपकार्ट के प्राइवेट लेबल बिजनेस के हेड आदर्श मेनन ने कहा, 2 साल पहले हम अपने लिए सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चीन से खरीदते थे, आज ये घटकर 50% रह गए हैं। जब हमने अपना फर्नीचर ब्रांड लॉन्च किया था तब इसके लिए सारे सामान मलेशिया से खरीदे जा रहे थे, अब ये भी घटकर 50% से कम रह गया है। कंपनी के प्राइवेट ब्रांड में मार्क क्यू, परफेक्ट होम्स, बिलियन और स्मार्ट बॉय शामिल है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी की कुल बिक्री में इसके हिस्सेदारी करीब 8% है। कंपनी के बिजनेस हेड ने बताया कि प्राइवेट लेवल के लिए काफी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेक्सटाइल्स, महंगे एंड्रॉइड टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और छोटे अप्लायंसेस देश से खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 50-60% तक एसेसरीज भी भारत से ही खरीदी जा रही है। दूसरी ओर भारत सरकार ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को देश में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए मनाने में सफल रही है। स्मार्टफोन और दूसरे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर अधिक टैरिफ लगाकर भारत एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों को भारत में फॉक्सकॉन और विंस्ट्रॉन के साथ मिलकर आईफोन के लिए मनाने में सफल रही है। अमेज़न ने भी बताया कि वे प्राइवेट लेबल्स के लिए भारत में ही ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कंपनी के पास एसी, मोबाइल फोन एसेसरीज, रोजमर्रा के सामान, होम और किचन प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स और बेबी केयर सहित दूसरे वर्गों में प्राइवेट ब्रांड्स हैं। हालांकि अमेज़न ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग की ठीक से जानकारी अभी तक नहीं दी है। फ्लिपकार्ट के बिजनेस हेड ने बताया कि कंपनी जिन 150 फैक्ट्रियों के साथ काम करती है उनमें से 100 भारत में है। पिछले 2 साल में फ्लिपकार्ट और अमेज़न को प्राइवेट लेबल लॉन्च करने को लेकर छोटे सेलर्स के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वेंडरों का कहना है कि इस वजह से उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटाने को मजबूर होना पड़ रहा है।